आप वीडियो में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का है, जहां दिन दहाड़े वायरल वीडियो में एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिले के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का बताया जा रहा है। वीडियो करीब 3 दिन पुराना है, जहां गुराना रोड पर एक ही समुदाय के दो पक्षों में किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे और पथराव हुआ था। इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन ही दोनों पक्षों के 11 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि थाना बड़ौत पर गुराना गली नंबर 2 में हुई दो पक्षों के बीच आपस में झगड़े से संबंधित है। इस संबंध में 27 तारीख को ही घटना वाले दिन ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था एवं कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात स्थान ग्रंथ की जो आशंका थी उसमें करीब 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु इंस्पेक्टर बड़ौत को निर्देशित कर दिया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।